हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एडो फ्लाई जेनिट। और लास्ट के क्लास में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट किया। उससे पहले हम लोगों ने एरोमेटिसिटी कंप्लीट किया, रेजोनेंस इफेक्ट कंप्लीट किया, इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट किया। बेसिक बेसिक जो रूल्स हैं, हकल्स रूल, जैसे कि हमने समझा कंडीशन फॉर रेजोनेंस, हमने समझा एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ वो हमने देखा, है ना। कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं वो हमने देखा। आज की आज क्लास के में हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, बस आपको समझने की जरूरत है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे जितने भी क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, वो हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। जेई मेन प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आईआईटी में जितने क्वेश्चन आए, एडवांस में या नीट में जितने भी क्वेश्चन आए, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं, तो ये एक शिफ्टिंग है, टेम्पररी शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड आप बोल सकते हो, ठीक है। आप एग्जाम्पल देता हूं मैं, अगर मैंने यहां पे लिया CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब आप इसके पास कोई सा भी पॉजिटिव चार्ज लेके आते हो, कोई सा भी पॉजिटिव चार्ज, मान लो मैंने यहां पे ले आया H+। H+ क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन को लाइक करेगा। ये सब चीजें मैं रिएक्शन मैकेनिज्म आपको डिटेल से बताऊं, लेकिन आप समझिए यहां पे, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जैसे ही इस H+ को देखेगा, तो डबल बॉन्ड क्या है, नेगेटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस का लवर, न्यूक्लियस को लाइक करने वाला, तो बोलेगा भाई मैं तुरंत उसको इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, उस पर अटैक करना चाहता हूं। तो ये क्या होगा, ये यहां पे इन दोनों में से किसी एटम पे शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा भाई, क्योंकि वो उसके साथ बॉन्ड बना सके। बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ रहता है कि वो उस पर अटैक कर रहा है, लेकिन बॉन्ड तो किसी और के साथ बनाना है ना, ये बीच में से तो बॉन्ड बना नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग है, टेम्पररी शिफ्टिंग है, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। मतलब यहां से जो इधर शिफ्ट हुआ, यहां शिफ्ट होके ये तुरंत अटैक करेगा। तो शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड, टेम्पररी शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट से कंपेयर करें इसका, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट वॉज ए परमानेंट इफेक्ट, वो किसी मॉलिक्यूल में था, पहले से ही था। मान लो CH3Cl लिए, तो आप उसे रोक नहीं सकते भाई कि उसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। CH3Cl जो पोलरिटी है विद इन द मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो, लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करें, तो वो पहले से वो इफेक्ट शो नहीं कर रहा, जब तक आप कोई सा एक्सटर्नल चीज लेके नहीं आ रहे हो। मान लो आपने H+ नहीं लाया, तो क्या ये शिफ्ट होगा, क्या नहीं शिफ्ट होगा। तो यही इसमें बोला जा रहा है कि भाई जब शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड है, टेम्पररी शिफ्टिंग, इसी को क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ए टेम्पररी इफेक्ट, नॉट ए परमानेंट इफेक्ट। बेसिक सा डेफिनेशन, बेसिक बस इतना आपको जानने की जरूरत है, यूज कहीं पे आएगा, मैं उसके बारे में फिर डिस्कस करूंगा। तो दो चीजें आपने सीखा, टेम्पररी इफेक्ट होता है ये, और शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड, यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग जो लेके आते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। भाई क्या होता है बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ हमने देखा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब था कि भाई H+ दे दे कोई, जब H+ देगा इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा एसिडिक, जितना जल्दी देगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है। बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें, तो बेस क्या होता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, समझना ध्यान से, बेस क्या होता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। और प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, कैसे एक्सेप्ट करता है, कोई ऐसा स्पीसीज जो कोई सा भी प्रोटॉन को ले रहा है, मतलब H+ को ले रहा है। तो हमने यहां पे लिया मान लो बी, बी एक बेस है, और उसने क्या किया, वो H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट क्यों करेगा, मतलब इसका क्या है कि एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मीनिंग यही है भाई कि ये क्या कर रहा है, इस पे अटैक कर रहा है,
इसके पास इलेक्ट्रॉन है, उस रीजन से क्या कर रहा है, उस पर अटैक कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन अटैक करने के बाद क्या बना दे रहा है, ये बी एच प्लस बना दे रहा है, ये न्यूट्रल हो जाएगा, बी एच बना दे रहा है। तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई बेस वो होंगे जिसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। तो इसमें पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, ऑल द नेगेटिव चार्ज सिस्टम, ऑल द नेगेटिव चार्ज सिस्टम कैसा बिहेव करेगा भाई, बेस जैसा। न्यूट्रल सिस्टम हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर। तो बेस कौन होगा जिसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, या तो नेगेटिव चार्ज होगा, अगर वो न्यूट्रल सिस्टम है तो उसके पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। ये आप बात समझ लीजिए, H प्लस एक्सेप्टर होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, ये हमने बेस लिख दिया भाई, प्रोटॉन को ले रहा है, लेकिन प्रोटॉन को क्यों ले रहा है, कुछ तो रीजन होगा ना, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तभी तो वो उस पर अटैक करेगा, तभी तो हम लोग बोलते हैं कि वो प्रोटॉन ले रहा है, समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, और बेसिक स्ट्रेंथ में मैंने आपको बताया कि जो भी सिस्टम जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। फिर से वही बात होती है भाई, बेसिक स्ट्रेंथ कितना बेसिक होगा वो, तो हम लोग फिर से वही मैं बात बोल रहा हूं कि भाई पीएच, पीएच हमें नहीं कैलकुलेट करना है, हमें किसी का पीएच वैल्यू एग्जैक्ट बेसिक स्ट्रेंथ क्या है वो हमें फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड क्या करना है फ्रेंड कि रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ कितना होगा। जैसे हमने रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड किया, तो रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हमें क्या समझना होगा, मान लीजिए हम लोगों ने तीन बीकर लिया, ए बी और सी, तीन बेस है यहां पे, तीन बेस आपको दिए गए हैं आपके लैब में, आप स्कूल में पढ़ रहे हो वहां पे आपको लैब में तीन बेस दिया गया ए बी सी, आपसे पूछा गया कि भाई तीनों में से कौन ज्यादा बेसिक होगा, तो आप रिलेटिवली ही फाइंड कर सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हमेशा रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। तो आप दिमाग लगाओगे भाई बेस का मतलब होता है जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है, तो प्रोटोन को एक्सेप्ट कौन करेगा जल्दी से, जो जल्दी प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा वो ज्यादा बेसिक। अब जल्दी से कौन एक्सेप्ट करेगा भाई, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, मतलब टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा है ना, वो क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो यहां पे आप दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो बेसिक स्ट्रेंथ में, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन मोर, ठीक है, मतलब मोर विल बी बेसिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ। तो हम लोग इस पॉइंट के थ्रू हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई आप ना तीनों बीकर में ए बी सी तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ है, आप मेरे को बताओ कि कौन इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी, किसके पास इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, जिसके पास सबसे ज्यादा होगा भाई वही सबसे ज्यादा बेसिक होगा, समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग आपसे, मैंने एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूं, अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, मतलब आपको क्या हमेशा माइंड में रखना है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी उसके पास ज्यादा होगा, वो क्या होगा, ज्यादा ही बेसिक होगा। मैंने दे दिया आपको NH3 और मैंने दे दिया आपको H2O, आप एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करके उल्टा बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड मत करना, इसमें वही कॉन्सेप्ट लगाओ जो आप सीख रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड कर लिया और उसके बाद उल्टा लगा दिया, वो सब चीजें जब नहीं आएगा तो वो सब चीजें करना, आप अभी समझो कि एसिडिक स्ट्रेंथ में आपने जो टेक्निक लगाया, बेसिक स्ट्रेंथ का एक अलग टेक्निक आपको बता रहे हैं, तो उसमें से आप वो लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिया NH3 और हमने लिया H2O, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई ज्यादा बेसिक कौन होगा,
तो आप बोलोगे कि यार एन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन, ओ के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मतलब दोनों ही बेसिक होगा। लेकिन कौन ज्यादा देगा? यहां पर देखिए नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो लेस देन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इलेक्ट्रॉन को रखने का जो टेंडेंसी है वो ऑक्सीजन का ज्यादा है। मतलब वो इजिली इलेक्ट्रॉन दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा इजिली इलेक्ट्रॉन। मतलब इजिली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन देगा? नाइट्रोजन देगा। तो इसलिए कौन ज्यादा बेसिक होगा? ज्यादा बेसिक NH3 होगा इन कंपैरिजन टू H2। ठीक है, तो इसी तरीके से और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे कि रेजोनेंस वाला भी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। मान लो कोई सिस्टम ऐसा है जो रेजोनेंस में जा रहा है और कोई सिस्टम रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस में हो गया, मतलब वो कम बेसिक हो गया, और जहां डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ वो ज्यादा बेसिक हो गया। तो फ्रेंड आज की क्लास में इतना ही। आपको बेसिक स्ट्रेंथ में बस ये याद रखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन का देने का टेंडेंसी किसके पास ज्यादा है वो ज्यादा बेसिक होगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया, बेसिक सा बहुत अच्छा सा मैंने थ्योरी आपको दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 40-50, जेई नीट के जितने भी क्वेश्चन है, IIT के जितने भी क्वेश्चन है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेसिक एसिडिक नेचर से वो मैं आपका डिस्कस